एवरी वन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो जी, आज मेरी बहन का एग्ज़ाम था अनाडेल में, तो हमने सोचा फ्री टाइम है, अब कहाँ जाएँ। तो वहाँ पे एक आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम था, तो हम वो घूमने चले गए। तो सबसे पहले एंटर होते ही आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा देखने को। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर सेटअप करके रखा है। फिर हम सबसे पहले चले गए उनका बोटैनिकल गार्डन देखने, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं वहाँ पर। उन्होंने छोटे छोटे एक्वेरियम भी रखे हैं अंदर, और उनमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर क्यूट फिशेस थी। फिर हम उनका मेन म्यूज़ियम देखने चले गए। एंट्री पे आपको बहुत सारे फ्लैग देखने को मिलेंगे। फिर अंदर जाके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिन पे बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए गए हैं। और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे शो पीस मॉडल्स रखे हुए हैं, जो कि बताते हैं कि इंडियन आर्मी के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनका यूज़ कहाँ हुआ था, और बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे सुंदर सुंदर शो पीस थे। इसका हर एक कॉर्नर आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आई डोंट नो कि कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, बट ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर म्यूज़ियम है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। हम सब कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी थी, शेरशाह। क्या आप लोग कैप्टन सौरव कालिया के बारे में जानते हैं? ये भी हिमाचल से बिलोंग करते थे, और ये एक कारगिल वॉरियर थे। इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया को इन्फॉर्म किया था कि जो पाकिस्तान है वो LOC पे इन्वेड कर रहा है। ये और इनके 5 आर्मी मैंस उस टाइम उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, और इन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म किया। बट जब तक इनके पास आर्मी की हेल्प आ पाती, इनको पाकिस्तान ने अपना होस्टेज बना लिया था। इनको टोटल 22 डेज़ तक इन्होंने अपने पास कैप्टिविटी में रखा, और इस दौरान इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हुए। इन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सामने आई, कि जैसे इनकी आंखें निकाल दी थी, इनकी ईयर ड्रम्स रॉड से फोड़ दिए थे, इनके लिप्स कट थे। और उन 22 दिनों के बाद इन्होंने इंडियन आर्मी को इन लोगों की बॉडीज़ वापस दे दी थी। इन्हीं की तरह हमारे देश के बहुत सारे अनसंग हीरो हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। म्यूज़ियम में एक स्पेशल हिमाचल कॉर्नर भी था, जो हिमाचल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता था। वहाँ की ड्रेसेस, हिमाचल में कैसी वेशभूषा रखते हैं, हिमाचल के पुराने मॉडल्स, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, वहाँ की पुरानी बिल्डिंग, शिमला ओल्ड मैप, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें थी। और हिमाचल से कौन कौन परमवीर अवार्डीज़ हैं, अशोका चक्र अवार्डीज़ हैं, सभी के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। और फिर हम देखने गए अनाडेल ग्राउंड, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ और बीच में ग्राउंड। ऐसी जगहों पे जाके हमें यही रियलाइज़ होता है, अगर आज हम अपने घर में सेफ हैं तो सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्सेस की वजह से। वो बॉर्डर पर खड़े हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, तभी हम अपने घर में चैन की नींद सो पाते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू आर आर्मीज एंड सल्यूट देयर सेक्रीफाइसेस। तो हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।